नोटबंदी और जीएसटी का असर देश की वेडिंग इंडस्ट्री पर भी पड़ सकता है। एसएचएम के मुताबिक 1,00,000 करोड़ रुपए की वेडिंग इंडस्ट्री इस साल 10 से 15% तक नीचे जा सकती है। नवंबर से शुरू होने वाले शादियों के मौसम में वेडिंग इंडस्ट्री के कारोबार में 10 से 15% की गिरावट आ सकती है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसओचएम के रिपोर्ट के अनुसार मैरिज गार्डन या मैरिज हॉल बुकिंग, टेंट बुकिंग, शादियों का खाना, फोटोग्राफी जैसे कारोबार पर इसका असर सबसे ज्यादा दिखेगा। इस गिरावट के पीछे नोटबंदी और जीएसटी को कारण बताया गया है, क्योंकि अब लोगों को इन सेवाओं के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एसओचएम के मुताबिक गहने, कपड़े, ब्यूटी पार्लर, फोटोग्राफी और शादियों के हॉल आदि सेवाओं की कीमतें जीएसटी के बाद बढ़ गई हैं। हालांकि डेस्टिनेशन वेडिंग और वेडिंग टूरिज्म पहले से ही महंगी हैं, इसलिए इन पर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला। हालांकि ये दोनों सेवाएं कुल वेडिंग इंडस्ट्री का 10% से भी कम है। दूसरी चीज़ों के दाम के बढ़ने से कुल वेडिंग इंडस्ट्री पर इसका फर्क पड़ेगा। 500 रुपये से ज़्यादा के फुटवेयर पर अब 18% टैक्स लग रहा है। सोने और हीरे के गहनों पर टैक्स अब पहले के 1.6% से बढ़कर 3% हो गए हैं। एक 5-स्टार होटल की बुकिंग पर अब 28% टैक्स देना पड़ता है और मैरिज हॉल पर भी 18% का टैक्स है। औसतन भारत में एक आदमी अपनी कुल कमाई का 1/5 हिस्सा शादियों पर खर्च करता है, पर कीमतों के बढ़ने के कारण लोग अपने बजट पर एक बार फिर से नजर डालना चाहेंगे। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।